ये इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, सिर्फ 42 ईयर्स है, और इनका लंबाई 5 फुट 8 इंच है, और इनका वजन कितना वजन था आपका? 85 kg वजन था इनका जब मेरे पास आई थी, कितने दिन पहले? 12 फरवरी को ये मेरे पास आई थी, तब इनका 85 kg वेट था, और उसकी 28 मार्च है। तो आज कितना वजन है आपका? मेरा 75 kg। कितना कम हो गया? 10 किलो इन्होंने कितने दिन में कम कर लिया? लगभग 1.5 महीने के अंदर इन्होंने 10 किलो वजन कम कर लिया। कोई कमजोरी तो नहीं? नहीं, कोई कमजोरी नहीं है इनको। और ये एक एमडी डॉक्टर की पत्नी है, और इनके बड़े, इनके जो जेठ जी थे वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, नामी ग्रामी, ठीक है। इनके बेटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनके जेठ के दोनों बच्चे वो भी डॉक्टर हैं, और एक डॉक्टर फैमिली से हैं। और इनका 85 kg, उस वजन की वजह से इनके स्पाइन में भी खराबी आ गई थी, डिस्क कोलैप्स हो गई थी, और इनके दोनों घुटनों की जो कार्टिलेज थी वो घिस गई थी, दब गई थी, और इनको चलने में भी परेशानी थी और कमर दर्द से परेशान थी। ये जब मेरे पास आई तो इनका 85 kg तो वजन था, मैंने अपना डाइट चार्ट दिया, 10 किलो वजन ये कम करके आई हैं। चेहरे से ये 10 साल छोटी भी लग रही हैं, ठीक है। और ये ऑपरेशन कराने की बिल्कुल इच्छुक नहीं थी, टांगे इनकी टेढ़ी हो चुकी थी, तो मैंने इनको ब्रेस बताई, जो पैरागोन नी ब्रेस है, बहुत बढ़िया चीज है, जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते उन मरीजों में ये काम देती है। जरा पहन के दिखाइए। जी फर्स्ट हमें पहले ये वाली स्टेप लगानी है इसकी। बोलते जाइए जोर से आप। जी हाँ, सेकंड हमें ये वाली स्टेप लगानी है, ऊपर वाली सबसे, देन थर्ड ये वाली, लास्ट की सेकंड स्टेप। इसके बाद हमें इसको हल्का सा टाइट करना है और हो गया। दूसरी टांग की लगाइए। सेम प्रोसेस है, ये घुटने से ऊपर रहना चाहिए, घुटने के बगल में। इसके बाद अगर लूज लगती है तो हम इसे नीचे से टाइट कर दें। ठीक। चल के बताइए जरा। ये जो मेरे पैर टेढ़े हो गए थे, ये जो पैर टेढ़े हुए, 1.5 महीने में इतना डिफरेंस आया कि ये काफी सीधे लगने लगे, सीधे हो गए इवन। और जो मैं लग रहा पहले पहले इनके पैरों के बीच में यहाँ काफी गैप था जी, अभी काफी कम, पहले कम से कम मेरे ख्याल से 8-10 अंगुल का गैप था इनका जी, अब तो सिर्फ 2 अंगुल का गैप रह गया है। धीमे धीमे इसके अंदर एक नट होता है, यहाँ से इस नट से, इस नट से और इस नट से इसको करेक्ट करते हैं, तो जो टेढ़ापन है, जो वायरस डिफॉर्मिटी है, वो धीरे धीरे करेक्ट होने लगती है। चलिए, और पहले मैं बहुत लंगड़ा के चल रही थी, लेकिन अब मेरे साल में 1.5 महीने में बहुत डिफरेंस आया, अब मैं बिना लंगड़ाए चल पा रही हूँ। आपको इसको पहनने से कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। बल्कि मुझे इससे बहुत रिलैक्स मिलता है पैरों में, इसे पहन के चलने से बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत रिलैक्स मिलता है जी। जो घुटनों में दर्द होता था वो भी, उसमें भी आराम मिलता है। आपका जो वजन कम हुआ 10 किलो, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा वजन 1.5 महीने में 10 किलो वजन कम हुआ, तो और जो डॉक्टर साहब ने, आपने जो भी मुझे बताया जी, उससे मुझे बहुत आराम मिला। कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी, कोई नहीं, दुख तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस जैसे जैसे आपने कहा, तेल नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, तली हुई चीज नहीं खानी है, वो सब मैंने अपने डाइट में से हटा दी, और स्प्राउटेड खाने से दोपहर तक कोई भूख नहीं लगती, एक बार एक बाउल स्प्राउट खाने से शाम तक हम भूखे रह सकते हैं, हमें कोई भूख नहीं लगती। शाम को सीधे हरी सब्जी और एक रोटी में
बहुत अच्छी तरह काम चलता है, जिसके साथ सैलेड वगैरह लो, सैलेड खाने से। 10 लीटर पानी पीने को आपने कहा, 10 तो मैं नहीं पी पा रही, तो? लेकिन मैं 5 लीटर पानी से 5 लीटर पानी पी रही हूँ। हाँ, 5 लीटर पानी से हाँ चल जाता है। कोई कोई आपको तो दिक्कत फील हो रही हो इस डाइट को अप्लाई करने से? दिक्कत नहीं हो रही, मैंने दूध आपकी जिंदगी से हटा दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। एकदम बॉडी एकदम हल्की हो गई दूध बंद करने से, तेल ही बंद करने से। अच्छा, बॉडी में बहुत रिलैक्स मिला है मुझे। सुना कुछ नुकसान आपका हो गया ब्लाउज? कपड़े मेरे लूज हो गए। अब मुझे दूसरे बनवाने पड़ेंगे। खुशी की बात है, खुशी की बात है, नुकसान को नहीं है। नहीं। चलिए चल के बताइए। कोई चलने में परेशानी है आपको? नहीं, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है, खुश हैं आप जी? अच्छा, और कमर के अंदर जो परेशानी थी उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, मेरी कमर में बहुत भारापन रहता था, अब जो अब बिल्कुल नहीं है, बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। जो एक्सरसाइज आपको सिखाई थी सब करती है? जी, मैं सब कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। इस ब्रेस के पहनने से कोई परेशानी है आपको? नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आप खुश हैं जी। और जो और मेरे मरीज फेसबुक पे आपकी इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आप उन्हें एडवाइस करें, हाँ, प्लीज आप उसे कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको स्वस्थ होना है, हाँ, मेरी पूरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड थी, मैं अपनी होप छोड़ बैठी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं स्वस्थ हो जाऊंगी और दोबारा रिकवर होके अपने। आप तो एक डॉक्टर फैमिली से, आपके पति, आपके जेठ के बच्चे सभी डॉक्टर्स हैं, तो वो क्या फील कर रहे हैं? सबको बहुत अच्छा लग रहा है, आपने उनके मेरे साथ सब उसी डाइट पे आ गए। वेरी गुड। तो वो ये तो नहीं कहते कौन सी डाइट हमें साधु संन्यासी वाली डाइट दे दी? नहीं, खुश है आप जी? चलिए, धन्यवाद।